हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि यार आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके मोबाइल में भी WCC2 आप खेलते हो और अगर अचानक से आप जब मैच खेल रहे हो अचानक से भाई मैच कैंसिल हो के आप वापस होम स्क्रीन में आ रहे हो और बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, और अगर आपका मोबाइल 1 GB RAM या 2 GB RAM है और आपके मोबाइल में WCC2 वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको फिक्स कैसे करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो यार उसी टॉपिक में वीडियो 4 टिप्स बताऊंगा, 4 ऐसी मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, चारों चीज़ों को फॉलो करना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कि आपका WCC2 वर्क करने लगेगा। मेरे पास एक और मोबाइल है उसमें मात्र 1 GB RAM है और उस मोबाइल में भाई मैम WCC2 एकदम अच्छे तरीके से खेलता हूँ, कोई लैग नहीं करता है। वैसे वीडियो तो दूसरे फ़ोन से बना रहा हूँ लेकिन भाई उस मतलब 1 GB RAM में एकदम ही बढ़िया स्मूथली चल रहा था। तो आपको वही 4 टिक मैंने भी फॉलो की थी, तो भाई वही 4 टिक आपको बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा, सॉरी टिक टिक बोल रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद आपका में भी अच्छे से चलने लगेगा। तो यार ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करना, लेकिन यार इस वीडियो को शुरू से करने पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो भाई सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो यार आपको जो सबसे पहला काम करना है ना गाइस, आपको सबसे पहले आना है अपने WCC में, अपने WCC2 को आपको खोलना है, ओपन करना है WCC2 को। तो अभी ये ओपन हो रहा है और गाइस जब तक ये ओपन हो रहा है यार एक काम आप लोग कर सकते हो, जाके इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जाके जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। ओपन हो रहा है और 90% हो चुका है, तो चलो जल्दी से ओपन करते हैं। तो गाइस यार देखो ओपन हो चुका है और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे सेटिंग में, और गाइस आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे ग्राफिक्स में से लो में कर देना। मैंने हाई में करा क्योंकि ये वाला मोबाइल में रैम ज़्यादा है, लेकिन आपको इसको लो में कर देना है। लो ग्राफिक आप जब कर दोगे ना, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेफ में कर देना है। तो यार ये थी वो पहला काम जो आपको करना है। और यार जो दूसरा काम आपको करना है ना, वो आपको क्या करना है, जब भी आप ये गेम खेलो, जब भी आप यार ये गेम खेलो ना, तो अपने नेट बंद कर दो। यस गाइस आपको नेट अपना ऑफ कर देना है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने अभी ऑफ करके रखा है, आपको वैसे ही आपको अपना नेट ऑफ करके रखना है। और अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तो यार जब भी आप ये गेम को खेलो तो आपको एक और चीज़ करनी है, वो क्या है, तो यार आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप ये गेम खेलो आपको फ्लाइट मोड ऑन करना है। यस गाइस आपको फ्लाइट मोड ऑन करना है, तो फ्लाइट मोड भी आपको ऑन कर देना है। अब यार चौथी और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, वो करोगे तो भाई फाइनली आपका गेम एकदम अच्छे तरीके से चलेगा, स्मूथली चलेगा। तो भाई चलो सबसे फोर्थ वाला क्या है कि यार देखो जब भी आप लोग क्या करते हो कि जब यार आपका मोबाइल कम चार्ज रहता है, जैसे 50 से कम चार्ज रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग सोचते चलो यार एक मैच खेल लेते, लेकिन यार आपको वैसा नहीं करना है। मेरे में भी मैं 1 GB RAM वाले में ऐसा करता था तो नहीं चलता था। कम से कम यार आपको अपने मोबाइल में 50% बैटरी तो रखनी ही रखनी है अगर आप खेल रहे हो एक भी मैच। तो यार ये चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि यार कम से कम 50% बैटरी तो रहनी ही चाहिए। तो ये थी यार चौथी चीज, और चारों चीजों को अच्छे से करना है। एक और बार वापस बता देता हूँ, सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आप जाके सेटिंग में जाके ग्राफिक में लो में सेट कर दो, सेव कर दो। सेकंड चीज आपको करनी है जब भी आप गेम खेलो तो आपको नेट ऑन माफ करना है यार नेट को ऑफ करना है, नेट को ऑफ कर देना है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि यार फ्लाइट मोड को भी ऑन कर देना जब आप गेम खेलो। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करनी है कि यार कभी भी 50% तो कम से कम बैटरी को रहने देना, कभी भी 50% के नीचे रहे बैटरी और तब मत खेलना, 50% के ऊपर रहे तभी खेलना। तो यार यही थी ये चारों चीजों आप करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका WCC2 एकदम मक्खन की तरह स्मूथली चलेगा। तो ठीक है यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यार आप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, और यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार अगली कमेंट बताना यार अगली वीडियो किस टॉपिक में डालूँ। तो ठीक है यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।